नोटबंदी घोषणा के बाद आम आदमी के साथ साथ चोर भी कैशलेस हो गए हैं, जिसके बाद वो पैसे चुराना छोड़कर लोगों का मोबाइल चोरी कर नशा किया करते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा इस युवक का नाम रशीद खान है, जिसे कस्तूरबा पुलिस ने दहिसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि रशीद खान नाम का यह आदमी पैसे ना होने के कारण लोगों के मोबाइल चोरी कर उसका इस्तेमाल ड्रग्स खरीदने में करता था। खान और उसका एक दोस्त मोबाइल लेकर भाग गए। इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। गए महीने में हम लोग इधर रेलवे स्टेशन के सामने इधर एक लड़के को दो लोग ने घेर के उसके पास से मोबाइल छीन के भाग गए थे। फिर उसके बाद में हमने अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ हम लोगों ने स्पॉट विजिट किया। स्पॉट विजिट करने के बाद में हमने फिर उधर के सीसीटीवी फुटेज जितने भी है उतने सब निकाल के फिर उसके बाद में उसमें से एक सस्पेक्ट पर्सन को हमने निकाला। सस्पेक्ट पर्सन का स्केच मिला, उसके हिसाब से फिर हमने वो कंप्लेंट को दिखाया तो उसने वो पहचाने कि यही बंदा था जिसने मेरा मोबाइल खींच के गया, उसके साथ में और एक बंदा था। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सब चालू है कि ऐसा मालूम पड़ा कि वो लड़का दहिसर का रहने वाला था, तो हम लोगों ने फिर उसका फिर और इन्फॉर्मेशन निकाल के फिर हम लोग को एक बंदा ऐसा दौलत नगर में आने वाला ऐसा मालूम मिली। उसके हिसाब से हम लोगों ने वो एरिया में जाके एक कॉम्बिंग ऑपरेशन टाइप किया और उसमें से वो लड़का मिला हम लोगों को। उसको फिर बाद में ताबे में लेके फिर हम लोग पुलिस स्टेशन में आए, फिर उसके साथ और इंट्रोगेशन किया तो उसने फिर वो जो केस जो हुआ था वो उसने किया करके ऐसा उसने ऐसा कन्फेस किया। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने फिर उसका मोबाइल से बारे में पूछा तो मोबाइल मारे के बता रहा है वो कि उसने मोबाइल सिर्फ नशा पानी करने के लिए कुछ पूड़ी मिलती है उसके हिसाब से फिर उसने वो मोबाइल एक जगह पे मेरठ में बेचा ऐसा करके बोला है। अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी उनका आसार वही है कि बाबा उन लोग के पास पैसा नहीं है, वो सब गरीब घराने के लड़के लोग हैं। अभी उन लोग क्या करते हैं इधर से मोबाइल लेते हैं वो बंदे को जाके दे देते, तो बंदे को क्या इनको करते हैं पैसा तो लेता नहीं है तो उन लोगों को क्या करता है 5-6-10-12 पूड़ी दे देता है और जब भी आएगा तो एक दो पूड़ी ऐसा दे देता है उन लोगों को। तो उन लोगों का सिर्फ पूड़ी लेने का ही हिसाब है, खाली नशा करने का यही उनकी ज़िंदगी चल रही है आजकल के बच्चों लोग की।